जाए। कांग्रेस पार्टी समाजवादी को किसी भी सूरत में ना भिवंडी ईस्ट में ना भिवंडी वेस्ट में ना समर्थन करेगी ना उनके लिए काम करेगी। लेकिन क्या है, हमको सिखाया है, हम स्वाभिमानी है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी में स्वाभिमानी होते हैं, जबान पे पक्के होते हैं हम लोग। तो मेरा भी फॉर्म भरने के लिए उनको फोन किया था, मुझे बोले मैं आऊंगा, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन अगर कल तक इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो मैं भी थाना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, और जैसा कि राष्ट्रवादी ने जो कैंडिडेट शाहपुर में दिया है और मुरबाड में दिया है, अगर कल तक इसका जवाब अगर मुझे आए नहीं और इसका जो क्या फैसला जो है वो कल तक आए नहीं, तो प्रेस नोट लेके मेरे जितने भी कार्यकर्ता है शाहपुर में और मुरबाड में, मैं किसी को काम करने नहीं दूंगा। और समाजवादी पार्टी एक वोट कठुआ पार्टी है। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। क्या कहेंगे आज भिवंडी के जो सांसद है माले मामा, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को छोड़कर समाजवादी को समर्थन दिया, उनके मंच पे नजर आए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमको अभी 1 घंटा पहले मालूमात मिली के हमारे आदरणीय खासदार सुरेश बालिया मात्रे या समाजवादी पार्टी की ऑफिस के ओपनिंग में पहुंचे थे। इस ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनके ताल्लुक से हमने कांग्रेस के हाई कमांड को अवगत कर दिया, उनको मालूमात दे दिए कि इस तरह का घटना हुई है और अगला कोर्स हमारा क्या रहे। पार्टी की तरफ से हमने आदेश और इंस्ट्रक्शन मांगा है। पार्टी ने कहा है कि अभी आप लोग कोई वो मत करो, रिएक्शन मत दो, और शरद पवार जी से वो बात करने वाले हैं, और बात होने के बाद अगर वो महाविकास आघाड़ी छोड़ के अगर कहीं जाते हैं तो फिर हम खुले हैं, फिर देखेंगे क्या क्या बातें हैं, वो उस वक्त हम करेंगे सब बातें। भिवंडी रेस में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी टूटती नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने पहले अगेंस्ट में जाके फॉर्म भरा और अब जो है तुतारी, मतलब ये NCP जो है वो उनके खेमे में नजर आई। देखिए, NCP इंशाल्लाह ताला नहीं टूटेगी, ये मेरा विश्वास है। कहीं ना कहीं जो भी बात हुई होगी मैं इसके बारे में अभी नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक है, आप लोकसभा के इलेक्शन से देखते आ रहे हो कि समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रही है। लोकसभा में के इलेक्शन में कहीं भी आपने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को कहीं भी नहीं देखा। आप एक पब्लिक मीटिंग या एक जलसे में भी वो कहीं शामिल नहीं हुए, और ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। जहाँ तक अभी एक मीटिंग थी, मैंने वहाँ कहा ये बात कि समाजवादी पार्टी एक वोट कठुआ पार्टी है, इनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आँख से आँख मिलाकर लड़ सके और उनका मुकाबला कर सके। आपने उनका जितना भी एक्शन देखा होगा, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में काम करती है, और आज भी वही सब हो रहा है। इसकी मालूमात हम इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी तरह विड्रॉल के तारीख तक अगर इनका फॉर्म विड्रॉ होता है ठीक है, नहीं तो क्या है, ये वोट कठुआ पार्टी है, किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलकर कांग्रेस का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। रजत भाई, एक तरफ भिवंडी वेस्ट में, भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे कांग्रेस के नगर सेवक जो है उसका साथ दे रहे हैं ऐसे महाविकास आघाड़ी के नाम पर, और वहीं समाजवादी पार्टी जो है भिवंडी वेस्ट में महाविकास आघाड़ी के सामने खड़ी हो गई। देखिए, भिवंडी ईस्ट में हमारा कोई भी नगर सेवक समाजवादी का समर्थन नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है।
रही बात रईस शेख की, तो उनके पर्सनल कुछ बातें हैं जिसकी वजह से उनको जो है वहाँ समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी को किसी भी सूरत में ना भिवंडी ईस्ट में ना भिवंडी वेस्ट में ना समर्थन करेगी ना उनके लिए काम करेगी। क्या कहेंगे आज महाविकास आघाड़ी से हटकर जो भिवंडी के खासदार है बाजा मामा, उन्होंने समाजवादी को समर्थन दिया, इस मामले में आपका क्या कहेंगे? मुझे भी 2 घंटा पहले व्हाट्सएप द्वारे जो हमारा महाविकास आघाड़ी से जिनको भरी वोटों से चुनके दिया वो सांसद बालामामा म्हात्रे आज समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है रियाज आजमी, उसका ऑफिस का ओपनिंग उन्हीं के हाथों से किया। परसों हमारा भी ऑफिस का ओपनिंग था, सुबह से लेकर शाम तक मैं भी उनको बहुत सारा फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। ये हमारा जो मुख्य कार्यालय था वो मुख्य कार्यालय का ओपनिंग परसों उन्हीं के हाथों से थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनको फ़ोन किया मैंने, कोई फ़ोन उठाया नहीं। फिर उनका शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू को फ़ोन किया, उसको आया और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ताहिर साहब और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी या ICC के जनरल सेक्रेटरी जो BM संदीप था, उन्हीं के हाथों से हुई सब। शिवसेना के जिला प्रमुख गगे साहब, सोनिया पाटिल, महाविकास आघाड़ी के सभी नेता लोग थे। लेकिन जब बालामामा को मैंने फ़ोन किया, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। लेकिन आज जो वो समाजवादी का जो फॉर्म भरने के लिए गए, तो मेरा भी फॉर्म भरने के लिए उनको फ़ोन किया था, मुझे बोले मैं आऊँगा, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन 4 महीना पहले जो उनका चुनाव हुआ था तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया, लेकिन उनका फॉर्म भरने के लिए मैं खुद गया था। लेकिन अभी वो राजनीति क्या कर रहे हैं उसके डीप में मैं जाता नहीं। लेकिन जो तरीके से वो आज समाजवादी का जो मुख्य कार्यालय का ओपनिंग करने के लिए गए, आज वो सब फोटोज जो है वो हमारे जो हाईकमांड, हमारे प्रदेश के नेता लोग, हमने सभी को बोला है अगर कल तक इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो मैं भी थाना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि राष्ट्रवादी ने जो कैंडिडेट शाहपुर में दिया है और मुरबाड़ में दिया है, अगर कल तक इसका जवाब अगर मुझे आए नहीं और इसका जो क्या फैसला जो है वो कल तक आया नहीं, तो प्रेस नोट लेके मेरे जितने भी कार्यकर्ता है शाहपुर में और मुरबाड़ में, मैं किसी को काम करने नहीं दूंगा। और महाविकास आघाड़ी में सपा को 2 सीट छोड़े थे, 1 सीट छोड़े मुंबई से और 1 सीट भिवंडी ईस्ट से, लेकिन वो लोगों ने भिवंडी वेस्ट में भी फॉर्म डाल दिया और उसने कल नहीं निकाला, ये एक दरफा फ्रॉड किया है। अगर हमको भी ऐसा करना रहता तो हम भी ईस्ट में फॉर्म डालते थे, ये भी फॉर्म लाते थे। लेकिन क्या है, हमको सिखाया है, हम स्वाभिमानी है कांग्रेस पार्टी में स्वाभिमानी होते हैं, जबान पे पक्के होते हैं हम लोग। अभी जैसे कि ये जो सांसद आज समाजवादी का मुख्य कार्यालय का ओपनिंग किया तो उसके पीछे BJP के लोग थे। आपने देखिए, आप खुद पत्रकार थे ना, नारायण चौधरी कॉरपोरेटर है, उसके पीछे ही खड़ा है ना। तो नारायण चौधरी ये किसका कॉरपोरेटर, किधर से, शिंदेगढ़ से है ना वो। और वो मुख्य जो बालामामा का जो पिछला जो चुनाव हुआ उसके अंदर सबसे आगे वही था, तो वही लोग बालामामा को लेके गए हैं उधर, और ये सब दिख रहे हैं उधर। तो ये सब भिवंडी में खेल खेल रहे हैं ये। और MIM
और ये समाजवादी पार्टी, ये सब भिवंडी जानते हैं कि किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा चलिए सर, भिवंडी को माइनॉरिटी का शहर कहा जाता है और इस हिसाब से जो अक्सर देखा जाए कि माइनॉरिटी की सीट मांगते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? एक तरफ हरीश पठान है जो कि एमआईएम से है और वो माइनॉरिटी का वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि माइनॉरिटी का वोट मांग रही है और आज उस समाजवादी पार्टी में जो है खासदार भी शामिल हो गए, तो ये कांग्रेस पार्टी को कितना डैमेज कर रही है, कितने वोट बैंक उनका फाइट? देखिए, भिवंडी के अंदर दो टर्म बीजेपी का एमएलए चुन के आया था और मैं पहले भी बताए थे कि जो 2014 से लेके 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र जी सीएम थे, फिर 2019 से लेके 2024 तक, जब 2019 को चुनाव हुआ तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठी, महाविकास आघाड़ी की सरकार 2 साल चली, 2 साल में 1.5 साल तो कोरोना में गया, सिर्फ महाविकास आघाड़ी को 6 महीना मिला और जो 1.5 साल जो कोरोना में गया उसमें वो लोगों, हमारे जो मंत्रीगण थे वो सब जो कोरोना का हानामारी थे उसके पीछे थे और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कोरोना के बाद में अपने को सरकार बैठाना है तो क्या सिस्टम से बैठाना है, 50 खोखा देने का और सरकार बैठाने का सिस्टम से वो लोगों ने सरकार बैठाई और उस सरकार में 2.5 से 3.5 साल यही एमएलए उधर से, यही पश्चिम से एमएलए था, तो कुल मिला के 8 साल वो सरकार में थे। तो उस सरकार के अंदर जो पूरे भिवंडी के अंदर कोई कुछ विकास किया नहीं, कुछ नहीं किया। अभी पब्लिक को सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी के साथ सब पब्लिक है, ये सब कितना भी डैमेज किया है तो भी जो अभी गली गली जैसा भाई घूमता हूँ, हर बच्चा, छोटा बच्चा, अपने सभी महिला, सब हमारे जितने भी पूरी जनता जो है भिवंडी की, ये महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और भरी वोटों से मुझे चुन के देंगे और सबके मुंह में अब की बार महाविकास आघाड़ी का भिवंडी की वेस्ट के अंदर आमदार चुनेगा, ऐसे सब जगह पे अच्छी तरीके सब चल रहा है।